हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम इंटर कर चुके हैं 2020 में। तो 2020 में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वहां पर आपको कौन क्या है से 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ को यहां पे देखेंगे, जैसे BCCI अध्यक्ष कौन बनाए गए, आर्मी चीफ, इसरो चेयरमैन कौन है, IB निदेशक कौन है, इन सभी क्वेश्चन की यहाँ पर चर्चा की जाएगी। लेकिन इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मैंने GK ट्रिक्स के लिए एक अलग से चैनल भी तैयार किया है, जिसका कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे कि हम कैमरा के सामने आपको ट्रिक्स बताते हैं। तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए आप हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के बारे में। कर्मचारी चयन आयोग, जिसे हम SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष हैं बृजराज शर्मा है, ऑप्शन नंबर बी। उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं लोकपाल अध्यक्ष के बारे में, तो लोकपाल अध्यक्ष जो है, इस पर पहली बार भारत में लोकपाल अध्यक्ष बनाए गए हैं, और वो बनाए गए हैं पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला गया। झारखंड के मुख्यमंत्री जिन्होंने कि आपको हाल ही में शपथ ली थी, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो बनाए गए, हेमंत सोरेन बनाए गए। रघुवर दास को यहाँ पे जो है इलेक्शन हुआ, उसके बाद रघुवर दास की जगह पर हेमंत सोरेन बने। उसी तरीके से अगर यहाँ पे और भी बात करें तो विदेश सचिव आपको नए बनाए गए हैं इस बार ही, और वो हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन नंबर डी। और इसके पहले जो विदेश सचिव थे वो थे विजय केशव गोखले। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप लास्ट के 5 मिनट्स जो हैं वो ज़रूर देखो, उसे बिल्कुल ना मिस करो, बिकॉज वो आपकी रिविज़न टाइम और ऑनलाइन टेस्ट की टाइमिंग है इस वीडियो में, तो उसे देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसे देख लिया तो ये जो है आपको कभी भी नहीं छूटने वाला एग्ज़ाम में, अगर आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ये आपके माइंड में पक्का रहेंगे। तो फिर अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में। तो ये भी जो है 2019 में बनाए गए थे, और वो उद्धव ठाकरे को बनाया गया, ऑप्शन नंबर डी। इसके पहले देवेंद्र फडणवीस थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। उसी तरीके से विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष, तो वर्ल्ड बैंक के 13th जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं डेविड आर मलपास, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला गया। अगर आपसे पूछे IMF की प्रबंध निदेशक, इसके अलावा अगर आपको पता है विश्व बैंक का जो मुख्यालय कहाँ है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज वो हमने आपको पहले के वीडियो में इस चीज़ को बता दिया था। फिर अगर हम बात करते हैं IMF की प्रबंध निदेशक के बारे में, तो वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला गया। उसी तरीके से फिक्की, जिसे हम लिख सकते हैं FICCI फिक्की, इसके अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो है संगीता रेड्डी, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला गया। फिर बात किया जा रहा है यहाँ पे प्राकलन समिति के अध्यक्ष, एक आपका होता है लोक लेखा समिति, एक होता है प्राकलन समिति, तो प्राकलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापट, ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करें वायुसेना अध्यक्ष के बारे में, तो वायुसेना अध्यक्ष है RKS भदौरिया, ऑप्शन नंबर सी। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करते हैं थल सेना अध्यक्ष की, तो ये भी आपको चेंज हुए हैं हाल ही फिलहाल में, बिपिन रावत के रिटायरमेंट के बाद मनोज मुकुंद नरवाने को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला गया। उसी तरीके से नौसेना अध्यक्ष की बात की जा रही है यहाँ पे, तो वो है एडमिरल करमबीर सिंह, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला गया। अगर आपसे पूछे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये भी भारत में फर्स्ट टाइम बनाया गया है, और बिपिन रावत को बनाया गया है, उनका जो रिटायरमेंट है वो हो चुका है किस चीज़ से, तो यहाँ पे हमने आपको बताया थल सेना अध्यक्ष से उनका रिटायरमेंट हो गया, बिकॉज उनके 60 ईयर्स पूरे हो चुके थे, बट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जो उम्र रखी गई है वो 65 ईयर्स रखी गई है, तो ये अभी 5 साल तक रहेंगे, और वो हैं बिपिन रावत, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला गया। उसी तरीके से नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो वो हैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला गया। उसी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो वो है अजीत डोभाल, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला गया। सेल के निदेशक की अगर हम बात करते हैं, तो वो भी आपको हाल फिलहाल में चेंज हुए, और अमित सेन बने, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला गया। अगर आपसे पूछे इसरो के अध्यक्ष के बारे में, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, बिकॉज इसरो जो है कई सारे सेटेलाइट्स यान ये सारे भेजते रहता है अंतरिक्ष में, तो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसरो के अध्यक्ष हैं के शिवन, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला गया। उसी तरीके से अगर हम बात करें प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में, तो वो है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछे UPSC के अध्यक्ष के बारे में,
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बारे में, तो वो हैं अरविंद सक्सेना, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला गया। उसी तरीके से ब्रिटेन के गृह सचिव की अगर बात की जाती है तो वो है प्रीति पटेल, ऑप्शन नंबर बी। फिर है आपका आईबी के निदेशक, तो आईबी के अगर यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक की बात करते हैं तो वो हैं अरविंद कुमार, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला गया। रॉ के निदेशक की बात करें तो रॉ के निदेशक हैं सामंत गोयल, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला गया। अगर आपसे पूछे सीबीआई के निदेशक के बारे में तो सीबीआई के निदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला गया। एलआईसी के अध्यक्ष के बारे में पूछे, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसके अध्यक्ष हैं एम आर कुमार, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला गया। फिर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की बात कर रहा है तो वो है सत्या नडेला, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला गया। अगर आपसे यहाँ पे पूछे ऑक्सफोर्ड के सीईओ, जिन्हें जो कि हाल ही फिलहाल में बने हैं, गूगल के सीईओ हैं, और ये जो है ऑक्सफोर्ड के भी सीईओ बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी सुंदर पिचाई के साथ चला गया। उसी तरीके से गूगल के सीईओ भी बने हैं, गूगल के सीईओ भी हैं सुंदर पिचाई, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में तो ये है सुधीर भार्गव, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला गया। अगर पूछे बीसीसीआई के अध्यक्ष के बारे में तो वो भी आपको इसी बार चेंज हुए 2019 में ही, और सौरव गांगुली को बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछे आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में तो वो है मनु साहनी। तो ये थे आपको 30 क्वेश्चंस, हमने जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बोला था कि इसके बाद हम यहाँ पे आपको रिविज़न करवाएंगे, तो नाउ इट्स रिविज़न टाइम। तो चलिए देखते हैं उसको भी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिविज़न में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के बारे में, तो ये है ब्रिजराज शर्मा यहाँ पे। उसी तरीके से अगर आपसे पूछे लोकपाल अध्यक्ष के बारे में तो लोकपाल अध्यक्ष है पिनाकी चंद्र घोष, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। भारत के विदेश सचिव की बात कर रहा है तो वो है हर्षवर्धन श्रृंगला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात की जा रही है तो वो हैं उद्धव ठाकरे। विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष हैं डेविड आर मलपास। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक कौन है तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। फिक्की के अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी। प्राकलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश पापट। उसी तरीके से यहाँ पे वायुसेना अध्यक्ष हैं आरकेएस भदौरिया। थल सेना अध्यक्ष है मनोज मुकुंद नरवाने, और नौसेना अध्यक्ष है करमवीर सिंह। बहुत ही ज़्यादा ये कन्फ्यूजिंग होता है तो इसे आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसे कैसे आप याद रखोगे ये आपको एक बार देख लेना है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें और भी चीज़ों के, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो वो हैं बिपिन रावत। नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष सलाहकार हैं अजीत डोभाल। शेल के निदेशक हैं अमित सेन। उसी तरीके से अगर यहाँ पे बात की जा रही है इसरो के बारे में तो इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवन। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। यूपीएससी के अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना, और ब्रिटेन के गृह सचिव हैं प्रीति पटेल। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक की बात की जा रही है तो वो हैं अरविंद कुमार। अगर रॉ के निदेशक की बात करें तो वो हैं सामंत गोयल। सीबीआई के निदेशक के बारे में पूछे तो आरके शुक्ला यानी ऋषि कुमार शुक्ला। एलआईसी के अध्यक्ष के बारे में पूछे तो वो हैं एम आर कुमार। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के तो सत्या नडेला हैं। ऑक्सफोर्ड के सीईओ की बात की जा रही है यहाँ पे तो सुंदर पिचाई। उसी तरीके से गूगल के सीईओ की अगर हम बात करते हैं तो वो भी हैं सुंदर पिचाई। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की बात की जाए तो सुधीर भार्गव हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो सौरभ गांगुली है। फिर जो आपको यहाँ पर लास्ट है आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में तो वो हैं मनु साहनी। तो ये हमने आपको 30 क्वेश्चंस एमसीक्यू करवा दिए, फिर 30 क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। तो अब यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट की बारी है, जिसके आंसर्स आपको यहाँ पे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और जिस भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज हो उसे आप बैक करके स्किप करके क्वेश्चंस देख लेना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के बारे में। आपके पास चार ऑप्शन है, असीम खुराना, ब्रिजराज शर्मा, पिनाकी चंद्र घोष या भगवान लाल साहनी। जल्दी से जल्दी आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वन का आंसर ए है तो 1.AB इस तरीके से आप लिख दो।
और आखिर में यह भी बताना कि आपको 30 में से कितने क्वेश्चंस एक बार में याद हुए थे। फिर बात कर रहे हैं भारत के लोकपाल अध्यक्ष के बारे में, यहाँ पे उसके लिए भी आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं। उसी तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को भगा रही हूँ तो वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश ज़रूर करो। फिर बात कर रहा है भारत के विदेश सचिव के बारे में, उसके लिए भी आपको पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, अनीता भाटिया, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, डेविड आर्मलपास या पॉल रेमर। IMF की प्रबंध निदेशक कौन है, फिक्की के अध्यक्ष कौन है, संगीता रेड्डी, संदीप सोमानी, दिलीप चिनाव, पंकज पटेल। प्राकलन समिति के अध्यक्ष कौन है, उसी तरीके से वायुसेना, थल सेना एंड नौसेना और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अध्यक्ष कौन है। आप एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस को देख लो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वायुसेना अध्यक्ष कौन है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करो तो थल सेना अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा है, और उसी तरीके से नौसेना के अध्यक्ष कौन है, और फिर क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। फिर है आपका यहाँ पे नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछ रहा है कि नई शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष है वो कौन है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दी गई है, असीम खुराना, गिरीश बापट, डॉक्टर कस्तूरी रंगन या भगवान लाल साहनी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष पूछ रहा है, फिर सेल के निदेशक पूछ रहा है, इसरो के अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, शशि शेखर वेम्पति, सतीश कुमार गुप्ता, पी के पुरवार या डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। UPSC के अध्यक्ष कौन है, ब्रिटेन के गृह सचिव कौन है, अरविंद सक्सेना, प्रीति पटेल, प्रफुल्ल पटेल या सुमन कुमारी। उसी तरीके से IB के निदेशक कौन है, सामंत गोयल, ऋषि कुमार शुक्ला, अरविंद कुमार, सुधीर भार्गव। रॉ के निदेशक कौन है, उसी तरीके से CBI के निदेशक कौन है, सामंत गोयल, ऋषि कुमार शुक्ला, अरविंद कुमार या सुधीर भार्गव। LIC के अध्यक्ष कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, ऑक्सफोर्ड के CEO कौन है और गूगल के CEO कौन है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, BCCI के अध्यक्ष कौन है, उसी तरीके से ICC के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। तो ये थी हमारा यहाँ पे 30 क्वेश्चन हमने आपको पहले करवा दिया, फिर 30 क्वेश्चन की रिविजन भी डाल दी और 30 क्वेश्चन को यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी हो गया। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, ये आप हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताना। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।